बाल दिवस पे के टीवी के दर्शकों और देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। इस दिन को मनाने का मैं तब तभी पूरा हो पाएगा जब देश से तभी पूरा हो पाएगा जब हम नेहरू जी के आदर्शों पे चलें और उनके बाल प्रेम के प्रति समर्पित होकर उनके आदर्शों को माने। नाम अरमान है, मेरी तरफ से आपको बाल दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बाल दिवस 14 नवंबर की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी तरफ से, मेरी क्लास की तरफ से व मेरे स्कूल की तरफ से आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक बधाइयां। थैंक यू। मैं अपनी क्लास की तरफ से और स्कूल की तरफ से सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रन डे की बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बाल दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है। चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे तथा उन बच्चों की गुजारिश पर ही बाल दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है। चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे स्कूल में हर साल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और इस बार भी मनाया जाएगा। एंड लास्ट आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सबसे पहले मैं सरस्वती परिवार की ओर से आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएँ देती हूँ। बाल दिवस चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है। चाचा नेहरू ने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताया, इस कारण बच्चे उनके बहुत ही प्यारे थे और बच्चों को भी चाचा नेहरू बहुत ही प्यारे लगते थे। अलग अलग देशों में बाल दिवस अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी स्कूलों में बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे स्कूल में भी इस साल बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। सभी बच्चे खुशी से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और लास्ट में मैं आप सभी को फिर से विश करना चाहती हूँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड थैंक्स। हमारे सारे सरस्वती परिवार की तरफ से आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। इस दिन को श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें प्यार से सभी चाचा नेहरू कहते थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अंत में मैं बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी को बाल दिवस यानी 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपको मेरी तरफ से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं आपको सरस्वती परिवार की ओर से शुभकामनाएँ देना चाहूँगी कि सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएँ। थैंक्स। मैं बाल दिवस की सभी अपने सरस्वती परिवार की ओर से सभी के हरियाणा न्यूज़ को शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम तो मैं के टीवी के दर्शकों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा जी। और ये मैसेज देना चाहूंगा सरस्वती परिवार की तरफ से कि बच्चों के ऊपर जो भी आजकल बाल श्रम जो करवाया जा रहा है उसको रोका जाए और शिक्षा का इनको अधिकार जो है इसके प्रति इनको जागरूक किया जाए, उनको शिक्षा की तरफ बढ़ावा दिया जाए जी। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा के सभी दर्शकों को और सभी बच्चों को स्पेशली बाल दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बाल दिवस से हम सब जानते हैं कि चाचा नेहरू के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से अपनी बेसिक नीड्स से या उसके जो भी राइट्स हैं उससे दूर ना जाए। चाहे हम इससे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम सबका भी एक पूरा प्रयास होना चाहिए कि हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार काम मिले, उसकी शिक्षा, उसको स्वास्थ्य, हर तरह की उसको जो भी उसकी आवश्यकता है वो हर चीज़ उपलब्ध करवाई जाए। तो मैं फिर से सभी बच्चों को और सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू। और बाल दिवस के और जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन की हम मतलब सरस्वती शिक्षा समिति की ओर से पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहते हैं। के हरियाणा के सभी दर्शकों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से मैं ये कहूँगा कि बच्चे देश का भविष्य है और आगे आने वाले समय में इन्हीं के हाथों में देश की बागडोर सौंपी जाएगी, तो इसलिए इनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें विशेष प्रयास करने चाहिए। और एक बार फिर से के हरियाणा के सभी दर्शकों का
बाल दिवस पे हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से शुभकामनाएं।